हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स की क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं। हम बात करेंगे आज फिजिक्स की, ठीक है। बहुत दिनों से मैथमेटिक्स की ही क्लास चल रही है केवल, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपके बीच फिजिक्स लेकर आया जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है फिजिक्स में, उससे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। सेशन पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके अलावा सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, कोई भी इसमें डाउट नहीं आ जाएगा कि किस तरीके से क्या कैसे परफॉर्म होता है इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपको ब्रीफली समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर ही करना है, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो हम यदि आपसे पूछिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप क्या बताओगे? यदि आपसे कोई ये पूछ दे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, तो आप क्या बताओगे, ठीक है ना। देखिए किसी भी प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, लाइक मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, और ऐसी प्रॉपर्टी की बात करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। क्या एक्सपीरियंस करे? फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे, ठीक है ना। When an object experiences a force in the electric field and the magnetic field, force experience करने का मतलब कहीं भी force experience कर लेगा, ऐसा बात नहीं कहा हमने। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चार्ज होगा वो force experience तो करेगा, but कहाँ करेगा, तो आप बोलना electric field and magnetic field, ठीक है ना। ये दो रीजन है जहां पर ये क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अब इसके पास फोर्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, लाइक ये अट्रैक्टिव फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है ना। तो लाइक ये जो इसकी प्रॉपर्टी होगी उस पार्टिकल की, उस सब्सटेंस की, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब सर आपने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है सबस्टेंस की, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, बट कैसे? और बात नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज के अलावा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया आपने, तो ये सब का क्या मतलब? तो जस्ट आप फील कर लीजिए, आराम से समझाएंगे आपको, कोई भी पॉइंट जुड़ेगा नहीं, आप बस समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, चार्ज एक्चुअल में जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका खुद का एक फील्ड भी होता है, करने का मतलब उसी रीजन में वो क्या करेगा, उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस भी फील्ड में वह चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब एक चार्ज तो अपने पास है, दूसरा कोई चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, तो उस चार्ज का क्या होगा, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब उसी रीजन में जाने के बाद ही वो फर्स्ट वाले चार्ज को अफेक्ट करेगा, लाइक उस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ठीक है। तो उस तरीके से आप समझने का प्रयास करिए, तो चार्ज जब होगा तो चार्ज के अराउंड एक रीजन मिलेगा, उस रीजन में ही जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है उस पूरे रीजन को, जस्ट लाइक उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है जहां तक वो क्या करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करा सके, उसका वो वाला रीजन क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, ठीक है। तो चार्ज एक्चुअली में दोनों में इफेक्ट क्या करता है, अपना शो करता है, लाइक एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कोई भी चीजें हमें करना चाह रहा है आपके पास,
ये छूटेगा नहीं, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज इसका फीलिंग मतलब एक्चुअल में हाउ कैन यू फील इलेक्ट्रिक चार्ज, आप इलेक्ट्रिक चार्ज को वास्तव में कैसे फील कर सकते हो, यदि मैं इसकी बात करूं तो क्या, ठीक है। जस्ट लाइक हमने तो अभी बता दिया कि नहीं हाँ ऐसा ऐसा होता है, पर सर समझ नहीं आया कि नहीं हाँ कैसे ऐसा ही क्यों होगा, अब बताइए किस तरीके से आप बोलेंगे। तो देखिए इसमें एक बेहतरीन सा पॉइंट है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और आप समझने का प्रयास कर सकते हो या किए भी होंगे कुछ लोग। जैसे आपको ये बताया जाता है कि यदि हम क्या करें कंब ले लें, ठीक है ना, कर लें कंब ले लें और इसको हम क्या करें रब करें, क्या करें रफ करें, एक तरह से किस पे ड्राई हेयर पर, यदि इसे रफ करते हो कहां पर ड्राई हेयर पे, इसके बाद आप क्या करते हो इस कंब को ले जाते हो नियर द बाइट ऑफ पेपर, ठीक है ना, मतलब पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास यदि उसको ले जाते हो देन क्या होगा कंब विल अट्रैक्ट द बाइट ऑफ पेपर, ठीक है ना, मतलब वो क्या करेगा कंब जो होगा वह पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगेगा अट्रैक्ट करने लगेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, तो जस्ट आप यही समझिए कि यहां पर क्या हो जाता है चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे ही आप कंब को क्या करते हो हेयर पे रब करते हो कंब पे क्या आ जाता है चार्ज डेवलप हो जाता है, और वही चार्ज हम क्या करते हैं लेके जाते हैं पेपर के टुकड़े के पास, तो जैसे से पास ले जाते हैं एक्चुअल में जो कागज का टुकड़ा है वह उस इलेक्ट्रिक के सॉरी जो चार्ज डेवलप हुआ कंब पर उसके फील्ड वाले रीजन में आ जाता है, और जैसे फील्ड वाले रीजन में आता है उसको क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ आई, तो एक्चुअल में आप यहाँ समझ सकते हो हाँ सर सच में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, नहीं तो क्या होगा, आप नॉर्मली ऐसे करके देख लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों को ले लीजिए कम ले लीजिए ले जाइए उसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे रब करके लेके जाएंगे क्या होगा अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे कभी कभी आप ये देखे होंगे कि यदि आप क्या कर रहे हो टी शर्ट टाइप पहने हो और उसको अचानक कपड़े यदि आप मतलब एक तरह से निकाल रहे हो बहुत लंबे समय से एक तरह से पहने हुए हो मान लीजिए सुबह से आप शाम को उसको निकाल रहे हैं तो उस समय आपको कभी कभी चिट चिट की आवाज सुनाई देगी, ऐसा क्या होता है वहां पर चिट चिट की आवाज कहां से आने लगती है, आप फील किए होंगे और नहीं तो इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इस चिट चिट की आवाज आने का मतलब है वहां पर क्या होता है चार्ज डेवलप हो रहता है, ठीक है ना। आपका जो स्क्रीन है स्किन जो है वो क्या करता है क्लोथ से क्या करता है जब रब करता है तो उस क्लोथ पे भी क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से जब आप उसको क्या करते हो निकालते हो तो उस समय क्या होता है वही जो चार्ज होता है जस्ट लाइक उसी के मोशन की तरह से कर सकते हैं आवाज आ जाती है, ठीक है ना। आप देखोगे ऐसा होगा कि आपको कभी कभी चिंगारी जैसा भी दिखेगा, ठीक है, यदि आप अंधेरे वाले रूम में हो तो किसकी वजह से होता है ये जी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ देखो नहीं होनी चाहिए, मैंने इतना बताया जिससे आपको ये फील करा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हम डेवलप करते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या जो चार्ज है मतलब मैं कोई सबस्टेंस कह लू कोई भी सबस्टेंस है यदि मैं कहूं क्या इन सभी के पास क्या चार्ज होता है, ठीक है ना। सबस्टेंस हैज चार्ज मतलब ये मैंने कह दिया कि सबस्टेंस के पास चार्ज होते हैं लेकिन एक्चुअली में कहना चाह रहा हूं होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखो चार्ज एक्चुअल में डेवलप कैसे होता है, मैं यदि आपसे पूछूं कि जो चार्ज है वो कहां से जनरेट होता है कैसे जनरेट होता है तो आप कैसे बताओगे। देखो
एक्चुअल में होता है, जो चार्ज होता है वो चार्ज किसकी वजह से आता है, तो आप देखिए कोई भी सबस्टेंस है, सबस्टेंस आपको पता है जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ एटम से बनता है, किससे बनेगा एटम से, और एटम में आप जानते हो क्या 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 होता है, बोलिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अलावा आप पढ़ेंगे प्रोटॉन होते हैं, इसके अलावा आप पढ़ेंगे न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। और जस्ट यहां से आपको ये भी बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लाइक इसे हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल होता है, क्या होता है न्यूट्रल, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्चुअल में जो चार्ज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का, ठीक है, ध्यान समझना एकदम एकदम फील करा देंगे एक्चुअल में क्या होता है सब चीजें, ठीक है ना। चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होंगे, कितने टाइप के, दो टाइप के, आप एक बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलोगे पॉजिटिव चार्ज, और जो सेकेंड है उसे आप क्या बोलोगे निगेटिव चार्ज, क्या बोलोगे निगेटिव चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल में चार्ज डेवलप कैसे हो जाता है, क्या सभी सबस्टेंस के पास चार्ज होता है, तो इस चीज को आप फील करके ही बता देंगे कि नहीं होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो जस्ट देखिए मैंने कहा सबस्टेंस में एटम, अब एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीन चीजें होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अमाउंट, तो जस्ट आपको थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है यूनिट होता है, जो इसका यूनिट होता है वो होता है कूलम, इसको आप लिखेंगे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैपिटल सी से, हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट की। इसके बाद बढ़िए देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करूं निगेटिव है लेकिन होता कितना है, तो आप लोग सर -1.6 × 10⁻¹⁹ कितना होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन कूलम। इसके बाद आगे बढ़िए प्रोटॉन की बात करो सेम अमाउंट में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। बस ये किसमें होगा पॉजिटिव में, और न्यूट्रल है तो इसका मतलब मैं इसमें बोलूं चार्ज कितना होता होगा जीरो, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, बट यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज वो भी कितना माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन कूलम। इसके अलावा प्रोटॉन जो है उसमें पॉजिटिव है, और दूसरी क्या खास बात है, अब ध्यान समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो पढ़े ही हो, ठीक है ना, तो ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है अपना और किस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब बस ध्यान समझिए, देखिए यदि मैं कहूं किसी भी एटम में यदि आप चले जाओ तो आपको ये फील आएगा, आपको ये बताया गया होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, चलो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बोलिए अरे एकदम की पॉइंट है बच्चा लोग, एकदम ये आप नहीं समझ पाए फिर बेकार समझ लीजिए और समझ कर ही जाना यहां से, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बट कहां, तो आप बोलोगे सर एटम में। अच्छा सर इतना तो आपने बता दिया, लेकिन क्या भरमा रहा है कब से, चार्ज होता है कि नहीं होता सब समझते हैं, तो ये बताइए ना, फिर तुम लोग बताओगे, मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो ये बता रहा हूं कि कैसे आप समझोगे कि सच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से होता क्या है, क्या यही है रीजन जिसपे किसी मतलब किसी समस्या पे चार्ज आता है या नहीं। हाँ तो समझिए, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जब इक्वल हो गया तो आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम अमाउंट पे चार्ज है, और मैं कहूँ कोई भी एटम, लाइक मैं किसकी बात कर लेता हूँ तो सोडियम की बात कर लेते हैं, यदि सोडियम की बात करोगे तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 23। अच्छा यदि मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करो, चलो आप बोलो सर 11 कितना होता है 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो आप बोलो सर कितने होते हैं 11। यदि मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो कितने होते हैं 12। ठीक
ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होगी। लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है तो इसकी बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो आप सोचो सेम अमाउंट में जब दोनों पे चार्ज है बस अपोजिट है, तो आप दोनों को ऐड करके देखो ना, मतलब यदि मैं इलेक्ट्रॉन के वजह से चार्ज देखूं तो ये जितना है जिसका 11 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एक्चुअल में प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज होगा तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 11 से। जब सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो आप दोनों को यदि ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब ओवरऑल सोडियम पे मैं चार्ज पूछ लो कितना है, बोलिए सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, जो सोडियम एटम है अपने पास उस पे कोई चार्ज नहीं अभी। रीजन कि सर वहां पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, इक्वल है। बात समझ आ गई? अच्छा सेम कंसेप्ट से यदि आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि यदि मैं मान लो दूसरे तरीके से बताऊं कि क्लोरीन का एक एग्जांपल और लेकर बता दूं, क्लोरीन ले लो, यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 70, और यदि मैं एटॉमिक मास की बात करूं कितना होता है 35। ठीक है, फिर वही चीज है, यदि मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो आप बोलो सर 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आप बोलो सर 17, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो आप बोलो सर 18। ठीक है, तो सेम चीज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फिर एक सेम अमाउंट में, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो आप चार्ज देखो जब दोनों पे सेम है तो फिर ओवरऑल भी ऐड करके देखते हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब सर क्लोरीन भी कोई चार्ज नहीं है क्या, क्लोरीन और सोडियम पे चार्ज आता ही नहीं है? अरे आता है ना, आप केमिस्ट्री में पढ़े हो रिएक्शन किस तरीके से आप देखते हो चार्ज डेवलप हो जाता है वहां पर, तो बस वही चीज हमें फील कराना था यहाँ पर, आप समझिए। ठीक है, देखिए आगे, यदि मैं क्या कहूं, यदि मैं क्या कहूं यहां पर कि आप क्या देखो सोडियम है अपने पास, यदि मैं तो सोडियम से सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 1। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आपको पता होगा सोडियम में कितना होता है 2 8 1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और हर एटम जाता है तो अपना ऑर्बिट क्या करे कंप्लीट करे, क्यों, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। जब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो चाह रहा है कि भैया उसके पास क्या हो जाए, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो जस्ट वो क्या करेगा सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के फेंक देगा बाहर। ठीक है ना, क्या करेगा उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, और जैसे उसको क्या करेगा वो बाहर फेंकेगा आप ये देखोगे कि सोडियम पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और आप ये बोलोगे सर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। बात समझ नहीं, तो यहां पर मैं चार्ज बोल दूं तो आप बोलोगे सर 0, चार्ज ऑन सोडियम में बोलूंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे 0, लेकिन मैं यहां पर बोलूं चार्ज ऑन सोडियम इस केस में तो आप बोलोगे सर ये आयन हो चुका है, इसे मैं केवल Na नहीं बोल सकता, मैं सोडियम आयन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सोडियम आयन, और एक्चुअल में इसमें कितना चार्ज है, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो प्रोटॉन जाते इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन जाते इलेक्ट्रॉन कम किस पे, सोडियम पर, तो प्रोटॉन जाते है इसका मतलब इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान समझिए बात को, प्रोटॉन इसमें से मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो क्या बचेगा, सोडियम, लाइक सोडियम मैं कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया तो 10, अब सोचो कि 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा और 10 प्रोटॉन मिक्स कर दोगे तो इससे रिजल्टेड 0 आ जाएगा, बट अभी मेरे पास 1 प्रोटॉन बचा है, तो 1 प्रोटॉन का अमाउंट कितना था 1.6 × 10⁻¹⁹ ग्राम, मतलब इस सोडियम आयन पर अभी प्रेजेंट टाइम कितना चार्ज आया होगा, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम। क्लियर है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, तुरंत बताएंगे, एकदम टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप कितना बोलोगे सर 1 प्रोटॉन के इक्वल है 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम। अच्छा सर इस पे कितना चार्ज है, अरे बाप रे बाप, ये नहीं बता पाओगे तुम लोग, क्या बताओगे, 1 इलेक्ट्रॉन है यदि तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और सेम अमाउंट पे उस नेगेटिव में −1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम। अरे बाप रे बाप, ये देखा हो, यहाँ क्या हो गया, सोडियम पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ सोडियम पे चार्ज है लेकिन इसके बगल यहाँ पर क्या है −1.6 × 10⁻¹⁹। ओवरऑल यदि मैं कहूँ कि ये भी देख कर देखो तो आप बोलोगे सर ये तो गजब हो गया, यहाँ भी चार्ज, इनमें भी टोटल देखना चाहूँ तो चार्ज अभी कितना है, 0 है, चार्ज अभी कितना है, चलो
जीरो है, ये क्या मजाक हो गया। तो मैं सोडियम पे चार्ज बता दिया, लेकिन ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज क्या है, वही है जो पहले था। तो इस बेसिस पे एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं आपको कि जो चार्ज होता है बच्चा ना, जो चार्ज होता है, चार्ज एक्चुअल में कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व। ये एकदम आप नोट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। चार्ज की वैल्यू जो होती है वो कंजर्व होती है, जितनी चार्ज पहले रहेगी उतनी चार्ज बाद में भी रहेगी। इस चीज को फील करिएगा, ठीक है। तो अभी देख लिया आपने कि सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया, किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यदि मैं वही चीज सेम चीज बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब क्या होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या होगा? पागल हो तुम लोग, नहीं समझ आ रहा है? बोलो। अरे इतनी सी कॉमन सेंस की बात थी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या होगा? आप सही समझे हो सर, कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों निगेटिव चार्ज आएगा? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन में प्रोटॉन के अमाउंट के इक्वल यदि लेंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है उसकी वजह से उस पर क्या डेवलप हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। अभी को समझे हो तुम लोग? देखो जस्ट यदि मैं सोडियम के स्थान पर क्लोरीन लेकर आपको समझा दूं, देखो ध्यान समझना, सोडियम के स्थान पर यदि मैं किसको लेकर समझा दूं? क्लोरीन को। अब देखिए क्या है, तो क्लोरीन आप समझे अभी कि क्लोरीन की यदि मैंने बात की तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम का कॉन्फिगरेशन जो होता है वो कितना होता है? 287 287 किसका? क्लोरीन का। अच्छा मैंने अभी कहा कि सभी एटम क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जस्ट क्या होगा, वो चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8। तो अभी 7 है, कितनी जरूरत है? 1 की। तो चाहेगा कहीं से उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या मिल जाए? एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए बच्चा लोग। तो क्या होगा आप फील कर, देखो अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको ये लगेगा सौंपने, मतलब इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। कितना चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर मैं पूछूं आपसे कि चार्ज ऑन क्लोरीन, चार्ज ऑन क्लोरीन तो आप क्या बताओगे? देखो अच्छा यहां पर कितना चार्ज है? अब उसे -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। यहां पर मैं बोलूं कि चार्ज ऑन क्लोरीन बोलने से काम हो जाएगा? क्लोरीन बोलने से काम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज आ गया। जैसे चार्ज आता है एटम को आयन के फॉर्म में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आयन, पर यहां बोलेंगे क्लोराइड आयन या क्लोरीन आयन, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा आप बोलोगे सर? आप समझो कि जस्ट 17 क्या था? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन ये तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन एक सॉरी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? ज्यादा है। तो इस केस में इस पे जो चार्ज आएगा -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो मतलब यहां पर मैं बोलूंगा यहां चार्ज कितना होगा? -1.6 × 10⁻¹ कूलम। हो गई बात खत्म। मतलब आप देखो कि यहां पर चार्ज जीरो था लेकिन यहां चार्ज नेगेटिव आ गया। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज है बस। अच्छा फिर देखो भरा, यदि मैं पूरे सिस्टम को फिर से देखना चाहूं तो आपको क्या दिखेगा? सर यहां पर जो टोटल चार्ज है एक्चुअल में वो है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अच्छा इसके बाद क्या है? और सर यहां भी टोटल चार्ज वही है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो अरे देखो ना स्टार्टिंग में जो चार्ज था वही चार्ज बाद में भी है, मतलब चार्ज वो क्या है? कंजर्व है। तो इस चीज को भी आप फील करिए कि चार्ज एक्चुअल में क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसको समझने का प्रयास करते हैं और जो मतलब एक तरह से लिख लेते हैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा। लेकिन हाँ इस पूरे सिस्टम को आप समझ लीजिए कि जो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज है आपको समझा दिया गया। जस्ट ऐसे ही सबस्टेंस की बात करो तो सबस्टेंस में बोला क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन युग्म होता है उसकी वजह से चार्ज आता है। यदि ग्रेटर है क्या इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, ग्रेटर है प्रोटॉन तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लिया आपने चार्ज कितने टाइप का है? दो टाइप का, वही सेम चीज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इस तरीके से आ रहा सब पर चार्ज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ। हाँ अभी आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आप एकदम तुरंत कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर आया है या नहीं आया, क्या बोलिए जल्दी।
वो कमिट करना है कि किसी भी सबस्टेंस पे चार्ज होगा या नहीं। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, समझ में आ गया होगा तो पहले कर दीजिएगा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए, भी पता चल जाएगा। क्या करना है, आप कहोगे कि सर सबस्टेंस जो भी है उस पे चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, यदि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन में डिफरेंस है तब तो उस पे चार्ज होगा, अदरवाइज उस पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में मैं कहूं कि कोई भी एटम ले लेते हो तो उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, जस्ट लाइक यही चीज मैं आपको बस बताना चाह रहा था। ठीक है, तो चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव कब आएगा तो आप लिख लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा वह ग्रेटर होगा किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में आएगा। दूसरी चीज, यदि मैं कहूं निगेटिव चार्ज कब आएगा तो निगेटिव चार्ज कब आएगा, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन वो लेस देन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन छोटा हो जाए और सॉरी प्रोटॉन का नंबर कम हो जाए इलेक्ट्रॉन से तो क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और एक की पॉइंट का समझना है, यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से देन पार्टिकल विल बी, बोलिए पार्टिकल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब यहाँ पर उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक खास बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है ना, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में जिसे निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियस से किसको हटाना, प्रोटॉन को। ठीक है ना, या तो वहां पर प्रोटॉन को इंटर कराना, तो सबसे आसान होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, किसी भी एटम से निकाल सकते हैं और वहां पर किसी भी एटम में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी पूछ सकते हो प्रोटॉन सॉरी पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, तो आप बोलोगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे कोई भी सबस्टेंस, इलेक्ट्रॉन को क्या करे लूज कर दे तो उस केस में क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यदि कोई पार्टिकल गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो उस समय में क्या होगा, उस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी कंसेप्ट है इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम इसका एक बेहतरीन सा टॉपिक और पढ़ाएंगे। अभी इतनी चीजें हम क्या करें, मतलब आपको एक तरह से बेस बताए चार्ज का। ठीक है, मैं बहुत स्पीड नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट को समझा रहा हूँ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। आप इसको समझिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बन जाए और मैं इसी लगन के साथ आपके बीच वीडियो को लेकर आता रहूँ। ठीक है ना, तो इस चीज को समझिए। आगे हम इसके अभी चार्ज के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको। ठीक है ना, इसके अलावा फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका टॉपिक एकदम टू द पॉइंट भी होगा, इसके अलावा आप ये कर सकते हो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पर जो पैटर्न है सीबीएसई सिलेबस का उसमें ये है कि आपको कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस है कुछ ज्यादा दिए जाएंगे, तो इसलिए कोई भी पॉइंट मैं नहीं चाहता कि आपका छूट जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से समझने का प्रयास करिए और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। ठीक है ना, टारगेट हर एक सब्जेक्ट में आपको यही बना के चलना है कि हमें 80 आउट ऑफ 80 ही गेन करना है। ठीक है ना, आप इससे कम सोचिए ही मत, 80 आउट ऑफ 80 के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे घर का मतलब, तो फिर बेकार मत सोचिए एकदम। आप बेधड़क 80 मार्क्स के लिए लड़ाई करिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद परेशान होने की जरूरत, जो आ गया वो आ गया। हाँ, बट टारगेट आपका यही रहना चाहिए, ये हटेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।